हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा चार की वर्कशीट, जिसका उपविषय है भारत का प्रशासन, विषय है सामाजिक ज्ञान, ठीक है, सप्ताह है 25। चलिए शुरू कर रहे हैं, ठीक है। भारत का प्रशासन मतलब कैसा शासन भारत में चलता है, उसे कौन चलाता है, वे कैसे नियम यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है, आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, इनमें से आपको चुनने हैं, ठीक है, उपयुक्त शब्द चुनने हैं और खाली स्थान की पूर्ति करनी है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो चुका है वह वोट डाल सकता है, ठीक है। के आधार पर देश का शासन चलता है, ठीक है, तो यहाँ होगा संविधान, के आधार पर देश का शासन चलता है। किसके आधार पर? संविधान के आधार पर। हमारे देश में हर 5 वर्ष होने के बाद चुनाव होते हैं। क्या होता है? चुनाव, जिससे सरकार चुनी जाती है। सरकार केंद्र व राज्य स्तर पर कार्य करती है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, थल सेना, जल सेना व वायु सेना। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। संविधान क्या है? यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, संविधान क्या है? तो देखते हैं संविधान क्या है। संविधान संविधान नियमों उपनियमों व धाराओं का लिखित संग्रह है। जिसके आधार पर देश का शासन चलता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। इसी उपलक्ष्य में भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी अदालत कौन सा न्यायालय है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय भारत की
सबसे बड़ी अदालत है और यह दिल्ली में स्थित है, ठीक है, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। चलिए, ये वर्कशीट आपकी यहाँ पे सॉल्व होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अपने उत्तर यहाँ से मिलाने में और लिखने में आसानी होगी, उम्मीद करता हूँ, और आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।